जब शाम को हल्की सी भूख लगे और कुछ चटपटा सा खाने को मन करे और फटाफट बन भी जाए, तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही चटपटी सी हेल्दी चाट बनाने जा रहे हैं, जो कि आपकी भूख को भी मिटा देगी और आपको स्वादिष्ट भी लगेगी और फटाफट भी बन जाएगी। तो चलिए चाट बनाना शुरू करते हैं। हमने 1 कप दाल के स्प्राउट्स लिए हैं। इसमें आधा कप साबुत मूंग दाल के स्प्राउट्स हैं और आधा कप मोठ दाल के स्प्राउट्स हैं, जिसे मटकी भी कहते हैं। दालों के स्प्राउट्स कैसे बनाना है, इसका वीडियो हमने डाला हुआ है, उसका वीडियो लिंक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक बोल लेंगे, सबसे पहले उसमें ये दालों के स्प्राउट्स डालेंगे। फिर ये हमने कुछ सब्जियां ली हैं, टमाटर 3 टेबल स्पून, प्याज बारीक कटा हुआ 3 टेबल स्पून, धनिया 2 से 3 टेबल स्पून, ये भी बारीक कटा हुआ है, खीरा 3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ, 3 टेबल स्पून उबला हुआ आलू बारीक कटा हुआ, एक हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब ये सब सब्जियों को भी इसमें डाल देंगे। आप अपनी मनपसंद की सब्जियां भी डाल सकते हैं, जैसे गाजर, बीट रूट, जो भी आपको पसंद हो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें 1/4 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे, ये भी आप अपने हिसाब से डालिए कम या ज्यादा। 1/4 टीस्पून काला नमक, ये मीठी खट्टी मीठी चटनी है, ये कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी है, ये भी होममेड है। इसका वीडियो लिंक भी स्क्रीन पे दिया गया है, आप वहां देख सकते हैं। ये भी ऐड करेंगे, ये 1 टेबल स्पून है, ये ऑप्शनल है, अगर आप मीठा डालना चाहते हो तो ही ये खट्टी मीठी चटनी डालिए। और ये पुदीना और धनिए की खट्टी चटनी है, ये भी होममेड है, इसका वीडियो लिंक भी स्क्रीन पे दिया गया है, ये 1.5 टेबल स्पून है, ये भी ऐड करेंगे इसमें। और ये एक हमने नींबू लिया है, इसका रस भी डालेंगे, नींबू भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी चटपटी सी स्प्राउटेड दाल चाट तैयार है। जब भी अब आपको भूख लगे, इसे फटाफट बनाइए और खाइए, देखिए कितनी जल्दी जल्दी ये बन जाती है। तो आप इस चाट को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए, और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।